हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम करने लगे हैं परफेक्ट्स परफेक्ट, और वो है जैसे हमने पहले कर लिया प्रेजेंट टेंस फॉर पैसिव वॉइस। याद रखिए, हम पैसिव वॉइस कर रहे हैं उसके प्रेजेंट टेंस, और इसमें पार्ट 3 of 4 परफेक्ट है। इससे पहले पार्ट 1 of 4 किया हमने इंडेफिनिट, फिर उसके बाद उसकी चारों हालतें, चारों किस्म के सेंटेंस किए हमने, और उसके बाद हमने किया कॉन्टीन्यूस, और कॉन्टीन्यूस के चारों किस्म के सेंटेंसेस बनाने सीखे हमने। अच्छा, अब नंबर 3 पर है, 3 of 4 सेकंड लास्ट परफेक्ट। परफेक्ट के लिए नंबर 1 फॉर सिंपल, जिसे एफर्मेटिव भी कहते हैं, सिंपल सेंटेंसेस या एफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसके लिए फार्मूला ये होता है, मेथड ये होता है, ऑब्जेक्ट यानी मफूल जिस पर काम किया जाता है, वन ऑन विच एन एक्शन इज़ परफॉर्म, उसके बाद हैज या हैव में से कोई एक आता है। अब हैज़ किन के साथ आता है? सिंगल नाउन के साथ, यानी ही शी इट और सिंगल नाउन। तो उसके बाद हैव जो है आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ आता है, और इसके बाद फिर बीन आता है, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और फिर फुल स्टॉप आते हैं। तो सेंटेंसेस हमने ये 3 लिखे हुए हैं, हमारे पास इतनी ही जगह होती है आपको बताने के लिए। मंसूबे को आखिरी शक्ल दी जा चुकी है, इसके लिए ट्रांसलेट करते हैं इसको। पैसिव वॉइस परफेक्ट कैसे होते हैं? द प्रोजेक्ट Project has been given a final फाइनल शेप। मंसूबे को आखिरी शक्ल दी जा चुकी है, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन गिवन अ फाइनल शेप। अगर मंसूबों होता, एक से ज़्यादा मंसूबे होते, तो फिर हम हैव को सिलेक्ट करते, हैज़ को ना करते, क्योंकि एक मंसूबे की बात हो रही है, इसलिए हैज़ को चूज़ किया हमने। ठीक है, और मेथड जैसे कि हम पहले देख लेते हैं, देखते आ रहे हैं कि क्या फार्मूले के मुताबिक हमने काम किया। ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट्स और हैस आ गया, और उसके बाद बीन आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, उसके बाद ये फुल स्टॉप, ये जनाब फुल स्टॉप आ गया। तो मेथड और फार्मूला के मुताबिक हमने सेंटेंस बना लिया। इसके बाद लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा चुका है, पीपल पीपल, एक से ज़्यादा लोग हैं तो अब हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, प्लूरल नाउन, पीपल हैव बीन बी फूल्ड People have been befooled, और people have been made fooled, ठीक है। और इसके बाद आ जाइए, हमारे मार्केट में लगता है इनकम हो गई। तो ये खबर अखबारात में शाया की जा चुकी है, दिस न्यूज़ has been published in the
न्यूज़ न्यूज़पेपर्स, ये खबर अखबारात में शाया की जा चुकी है। दिस न्यूज़ हैज़ बीन पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर्स। होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और आई होप यू ऑल विल सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।